नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबर उत्तर प्रदेश के थानेपुर की है। धानीपुर पुलिस को सराहनीय प्रयास से एक बिछड़ी हुई 13 वर्षीय बालिका को परिजनों से मिलवाकर उनके चेहरे पर लौटाई मुस्कान। आज दिनांक 31/1/2021 को ऑपरेशन स्माइल के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री शैलेश कुमार पांडे, IPS एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में थाना धानीपुर के प्रभारी श्री गोरखनाथ सरोज, निर्देशन में हेड कांस्टेबल दयानंद सिंह और मदन मोहन सिंह, महिला कांस्टेबल संगीता भारती और सपना सिंह के सराहनीय प्रयास के द्वारा 30/1/2021 की रात को मिली 13 वर्षीय अर्धविक्षिप्त बालिका आरती पुत्री स्वर्गीय ओमकार निवासी खनुआपुर मौजा तेलुपुर थाना धानीपुर जनपद गोंडा को उसके परिजनों को खोजकर सौंप दिया गया। परिजनों ने पुलिस का आभार प्रकट कर खुशी जाहिर की है। आपको बताते चले कि दिनांक 30/1/2021 को खनुआपुर निवासिनी संजू देवी पत्नी स्वर्गीय ओमकार की लड़की आरती मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रही थी, जो दिन में 3-4 बजे के बीच घर में से एकाएक गायब हो गई थी, जिसके परिजन काफी परेशान थे और ढूंढ रहे थे कि लड़की धानीपुर पुलिस को हाथ लगी, जिसको सकुशल थाने में लाकर भोजन कराया गया और लड़की से पूछा गया तो उसने अपना नाम आरती बताया, लेकिन अपने माता पिता और घर के बारे में कुछ बता न सकी। उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक थाना धानीपुर श्री गोरखनाथ सरोज जी ने धानीपुर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए तत्काल गश्त पार्टी को रवाना करके खोजने के लिए बताया। पुलिस का यह प्रयास रंग लाई। आखिरकार आरती के परिजनों का पता लगाकर महिला हेल्प डेस्क थाना धानीपुर के माध्यम से सुपुत्र कर दिया गया। वहीं गांव के आम जनमानस रामनिवास वर्मा, विनोद कुमार वर्मा आदि ने पुलिस टीम के कार्य की जमकर सराहना की। पुलिस का यह प्रयास रंग लाई। आखिरकार आरती के परिजनों का पता लगाकर महिला हेल्प डेस्क थाना धानीपुर के माध्यम से सौंप दिया गया। वहीं गांव के आम जनमानस रामनिवास वर्मा, विनोद कुमार वर्मा आदि ने पुलिस टीम के कार्य की जमकर सराहना की। चलिए ठीक है, इस लड़की का कायदे से ध्यान रखिएगा।